यस भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज भी। ठीक है, ये ऐसा डिवाइस है भाई जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है। भाई आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, कितना ओम का है, पहला रेजिस्टेंस, पहला डिवाइस आ रहा भाई, आप कितना ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करें उसकी वैल्यू बताने के लिए, निकालने के लिए बनाया गया है भाई। इट इज़ कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। ये जो डिवाइस है ये व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अभी, और ये प्लस टू का एक्सपेरिमेंट भी है, इसलिए अगेन इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए। ठीक है भी, तो लिख लीजिए व्हाट इज अ स्लाइड वायर ब्रिज भी, लिख लीजिए इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to find out the value of unknown resistance का वैल्यू निकालने के लिए जो डिवाइस बनाया गया है ये क्या है, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। आगे लिखिए इसी में इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ किसका एप्लीकेशन है, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी। इट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इसलिए पहले करवा रहा हूँ, आपने पढ़ा हुआ इस टॉपिक को अभी, कुछ कल ही पढ़ा था, तो जल्दी आप इसको कैच कर पाओगे क्या हो रहा है इसके अंदर में, हो जाएगा। देखो इसके अंदर इसको नाम क्यों बोला गया, इसको स्लाइड वायर क्यों बोला गया, इसको मीटर ब्रिज क्यों बोला गया। अभी देखिए हमारे पास, देखो एक लकड़ी होती है अभी, लकड़ी के एक कार्डबोर्ड का कंप्लीट अरेंजमेंट होता है, उस पर पट्टियाँ लगी होती हैं कॉपर स्ट्रिप्स पे। आपने पट्टी कॉपर ही काटी है चिपका दी भी लकड़ी के गत्ते के ऊपर, ऐसे लकड़ी या गत्ते के ऊपर, ठीक है, कैसे चिपकी होती है वो देखिएगा, एक ऐसे पट्टी होती है, डायग्राम बाद में बनाना था, मैं बना लूँगी कंप्लीट करके। ठीक है, ये जो स्ट्रिप है ये कॉपर की भी हो सकती है और एक एलॉय है उसकी भी हो सकती है, मैग्नियन भी या कॉन्स्टेंटेंट, बताऊँगा अभी नाम उसके। ठीक है, और ये ऐसा अरेंजमेंट है अभी यहाँ पे, एक स्ट्रिप्स यहाँ पे लगा रखी है हम लोगों ने, स्ट्रिप्स समझते हो ना, ये कॉपर स्ट्रिप्स थी और एक यहाँ पे ऐसे, वी हैव कॉपर स्ट्रिप्स, ये चिपके हुए हैं मतलब फिक्स किए हुए हैं कार्डबोर्ड के ऊपर, गत्ते के ऊपर या लकड़ी के ऊपर भी, और इनके बीच में भी एक वायर बंधी होती है, ऐसे, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर की होती है। कितनी लंबाई है इसकी, 1 मीटर, इसलिए नाम क्या है इसका, मीटर ब्रिज बोलते हैं इसको, हो जाएगा। और ये जो है ये बना रहा हूँ, ये स्क्रू है भाई, पेंच लगे हुए जहाँ पे आपको वायरों को बांधना है, हो जाएगा भाई। ये पॉइंट मैं ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट कौन सा है, बी, यहाँ पे स्केल, एक 1 मीटर की स्केल लगी होती है यहाँ पे, लकड़ी की स्केल होती है 1 मीटर की, जिस पे आप रीडिंग देख सकते हो ऐसे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्केल है 1 मीटर का, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मीटर ब्रिज ही बोलते हैं, क्योंकि लेंथ कितना यूज़ करते हैं हम यहाँ पे अभी, 1 मीटर का, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे एक स्केल बनी हुई है, और इन पॉइंटों के बीच में हमको क्या जोड़ना होता है, बैटरी, एक एमीटर, करंट मापने के लिए कितना करंट यूज़ कर रहे हैं, एक करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट, RH, और यहाँ पे ऐसे, सही है, क्योंकि मेरे को कम से कम करंट में काम मेरा चलेगा यहाँ से भी, हम चलिए करंट को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कंट्रोल कर सकते हैं बाई यूजिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस कॉल्ड रियोस्टेट, हो जाएगा भी। ये दो गैप बने हुए हैं भी, गैप के अंदर यहाँ पे क्या लगा होता है, एक डिब्बा लगा होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस की मनचाही वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स भी, डिवाइस का नाम क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस से आप अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, जितना आपको यूज़ करना है कर लोगे। इसको मैं R से लिखता हूँ, यहाँ पर जोड़ेंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स में,
और यहाँ पे जोड़ा जाएगा एक वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू निकाल ली हमको पता ही नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है, हो जाएगा इट इज द अननोन रेजिस्टेंस। में कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है मैंने एस, इट इज द अननोन रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया अभी? ये जो है एक और स्क्रू यहाँ पे बंधा हुआ है, इसके साथ बंधी हुई है एक जी, जी क्या है गैल्वेनोमीटर भी, और उसका सेकेंड पार्ट जुड़ा हुआ है एक जोकी के साथ में। जोकी क्या होते हैं, पेंथ की तरह अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है जोकी के, और ये कंप्लीट मेटेलिक होती है, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है उसकी। यहाँ पे क्या बंधा हुआ है, एक पेंस है, उस पर आप तार बांध लेते हैं, वायर कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस जोकी को क्या करोगे आप लोग, वायर पे स्लाइड करवाओगे ऐसे। नाम क्या है इसका, स्लाइड वायर ब्रिज। में पैन की तरह अरेंजमेंट है, पूरा मेटेलिक होता है, आगे से शार्प होती हो, उसको ऐसे क्या करते हैं हम लोग, स्लाइड करवाते हैं। और हम वो पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे जी ने क्या सहयोग किया होगा, जीरो सहयोग किया होगा। कंडीशन क्या था, बैलेंस ब्रिज कंडीशन क्या थी, जब जी से जीरो रीडिंग आएगी तब बोलेंगे P by Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, R by S। समझ में आया कि नहीं आया भाई, डायग्राम बनाइएगा एक बार। एक चीज़ और लिखिएगा, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये L मान लें अभी, और ये कितना बच गया फिर, 100 माइनस L भी। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसको यूज करते हैं। समझ में आई बात है, इट इज़ कॉल्ड मीटर ब्रिज। लिखिए We have 1 meter wire. We have 1 meter wire AB. यहाँ पे बनाया मैंने, AB में जुड़ा हुआ ही। We have 1 meter wire AB made of constant tent or magnesium. हम alloy यूज करते हैं अभी। हम alloy यूज करते हैं किसका, कॉन्स्टेंट टेन का और मैग्नियन का। एलोय का यूज़ करते हैं हम लोग, आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस जितने भी हैं सारे एलोय के बने होते हैं। इस वजह से कि हीटिंग बढ़ने से या घटने से उसकी वैल्यू में फ़र्क ना पड़े भी। समझ में आया, तो मैंने किसका यूज़ किया इस वायर को, एलोय का यूज़ किया हुआ है। आगे लिखिए क्या लिखवा था मैंने, वी हैव ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर मेड ऑफ मैग्नियन एंड एलोय, सॉरी मैग्नियन एंड कॉन्स्टेंट टेन, हो गया अभी। आगे लिखिए We have copper strips having two gap। हमने copper strip लगा रखी इस तरह से भी, जिसमें दो gap बने हुए हैं। Okay? A resistance box is connected in one gap. ओके एंड ए अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अनदर गैप। अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अनदर गैप, हो जाएगा। आगे लिखिए ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद ए जोकी। ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद ए जोकी, JOCKEY। ठीक है, जोकी क्या होती है, एक पेन की तरह अरेंजमेंट होता है। अभी यहाँ पे स्क्रू, यहाँ पे पेन से बंधा होता है जहाँ से वायर बांधिएगा। इस जोकी को आपको क्या करना है, इस वायर पे स्लाइड करवाना होता है। कर लोगे, ये अरेंजमेंट है, बैटरी जुड़ी हुई है अभी ए और बी के बीच में, ये ऑब्वियस है। अब जो मैं लिखवा है ये कंस्ट्रक्शन है इसका भी। अब आपके एग्जाम्स के अंदर आपके पास ना टाइम नहीं होगा, आपको सारी चीज़ लिखोगे आप बैठ के भी। आप क्या बोलोगे, वी कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एज शोज इन डायग्राम भाई, पूरा कर दो बस, लिख दो फैन को भी, भूल जाओगे नहीं तो। लिखिए वी कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एज शोज इन डायग्राम भी। जो मैंने लिखवाया है, टाइम ज़्यादा हो तो वो लिख दो सारा, या सर ना, और टाइम कम बच रहा है तो ये लाइन लिख के बस, जो भी है डायग्राम में है अभी, हो जाएगा भाई क्लास, एनी प्रॉब्लम भाई। इस एक्सपेरिमेंट को करना कैसे, देखिए अभी
कैसे करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ वैल्यू निकालिए बाहर रेजिस्टेंस का, और आप क्या करो जॉकी ले लीजिए, जॉकी यहाँ जुड़ी होगी, पहले इसको यहाँ पे टच करो, जी देखा कभी, जी की रीडिंग ऐसी होती है, बीच में जीरो होती है, नीडल्स यहाँ पे होती है स्टार्टिंग में, जब करंट की वैल्यू कितनी हो जाए जीरो, जब इसको यहाँ पे टच करोगे तो सुई एकदम से एक तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, फिर यहाँ पे टच करो वो उल्टी डायरेक्शन में जाएगी उससे, यानी आपका डिवाइस से जुड़ा हुआ है। फिर आप क्या करोगे, इस जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करवाओगे अभी, और वो पॉइंट ढूंढोगे जहाँ पे नीडल्स वापस कहाँ पे आ जाएगी, जीरो पे, यानी उस पॉइंट के ऊपर आपके जी में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, जीरो करंट। तो वो कंडीशन किसका है, द कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज भी हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर पी वाई क्यू और आर वाई एस की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। एनी प्रॉब्लम भाई, यस और नो? तो आपको मान लेते हैं कि एक पॉइंट पॉइंट आ गया अभी, तो आपको लेंथ काउंट करना है, यहाँ से एक लेंथ ये होगी, एक लेंथ ये होगी, लेंथ ये 25 सेंटीमीटर का, ये कितना बच गया, ये 75 का पूरा कितना है 100 सेंटीमीटर का, अभी समझ में आया कि नहीं आया, ये एक्सपेरिमेंट अभी आपको करने का। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसको बताया गया है ये किसका एप्लीकेशन है, द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज भी, उसमें चार रेजिस्टेंस लगे होते हैं भाई, इसमें दो दिख रहे हैं मेरे को, एक ये वाला भाई, चार कहाँ है इसमें, लिखिए मूव द जॉकी ऑन द वायर, मूव द जॉकी ऑन द वायर एंड जे इज द पॉइंट, जे जो हम डायग्राम में बना रखा है मैंने, जे इज द पॉइंट वेयर जी शो जीरो डिफ्लेक्शन भी, जे इज द पॉइंट वेयर जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब रीडिंग कहाँ पर चली जाएगी, जीरो पर चली जाएगी भी, जी शो जीरो डिफ्लेक्शन। एट दिस कंडीशन पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई एस, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, समझ में आया कि नहीं आया अभी आपके लिए, क्या अननोन है यहाँ पे, एस अननोन है अभी, आर तो निकल जाएगा अभी रेजिस्टेंस बॉक्स, पी और क्यू कौन से हैं अभी, चार रेजिस्टेंस तो होने चाहिए कम से कम भाई, तो पी और क्यू क्या है, मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए जे वायर, देखो भाई यारी इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा भाई, यस और नो? इसको पी ले लूँ भाई, ये पी रेजिस्टेंस है, सही है कि नहीं है? अगर वायर का रेजिस्टेंस निकालना हो आपको, कैसे निकालते हो, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बनता है, रेजिस्टिविटी एल वाई एरिया भी, क्योंकि एक सिंगल वायर यूज की जा रही है, सभी का एरिया क्या, यूनिफॉर्म एरिया वायर यूज करते हैं, सभी का एरिया क्या है, बराबर है। लेंथ कितना है इसका, क्या लिखोगे बताओ, रेजिस्टिविटी एल एल बाई ए, सही है कि नहीं है? दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कौन सा भाई, जे बी, एक पोर्शन ये बच गया वायर का, जे बी, दो वायर यहाँ पर होगी भाई कटिंग, एक ये भी, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको क्यू ले लेते हैं, वायर तो सेम है भाई, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेंथ कितना है 100 माइनस एल बी, एरिया तो सेम है क्योंकि हम यूनिफॉर्म वायर यूज़ कर रहे हैं, यस और नो? तो हमारे पास चार रेजिस्टेंस आ गए भाई, आर एस पहले से हैं, पी क्यू अब हम निकाल लिए, फार्मूला क्या बनता है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, निकालना क्या है, एस निकालना है, पुटिंग द वैल्यूज, पी का वैल्यू कितना अभी क्लास, रेजिस्टिविटी एल बाई एरिया डिवाइड बाई, क्यू का वैल्यू कितना है, रेजिस्टिविटी 100 माइनस एल बाई एरिया इज इक्वल टू आर बाई एस, सही है कि नहीं है अभी? कुछ कटिंग हो रही है, रो से रो काटें, एरिया से एरिया काटें भाई, कितना आंसर आएगा, एल बाई 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर बाई एस, निकालना क्या आपको, एस इज अननोन रेजिस्टेंस भी, एस का वैल्यू कितना होगा बताओ, लिखिए भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एस इज इक्वल टू बताइए 100 माइनस एल बाई एल इन टू आर भी,
दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वे. अब इस फार्मूले में क्या पता है आपको, लेंथ पता जब एल पता जाएगा जहाँ पे जी ने क्या सहयोग किया होगा, क्योंकि हमको स्केल बना रखी है, नीचे एक स्केल लगा रखी है, स्केल से पता जाएगा एल कितना है, ये हम निकाल लेंगे करंट माइनस एल. आर क्या है, जो रेजिस्टेंस कहाँ से निकाला गया, रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाले गए हैं 10, 12, 15 जो इतना यूज कर रहे हो, सब कुछ पता है भाई. देन वी इजली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए अननोन रेजिस्टेंस. समझ में आई बात है, दिस इज द मीटर ब्रिज. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर. भी लिखिए, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्यूरेटली. ये इसकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर भाई. उसका कुछ रीजन दूंगा आपको, बाकी जब पढ़ लूँगा वोल्ट मीटर क्या होता है तो बताऊँगा इसमें इसमें फ़र्क क्या था भाई. ठीक है, इसका रीडिंग क्या है, एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर भी. दोनों ही डिवाइस क्या मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं. समझ में आया कि नहीं आया अभी. तो पोटेंशियोमीटर में होता क्या है अभी, देखिए पहले करेंगे क्या चीज़ है, उसके बाद करेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है अभी. देखिए पोटेंशियोमीटर में भी वही लगी होती है, पट्टियाँ लगी होती हैं, कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, एक लकड़ी का कंप्लीट बोर्ड होता है, उस पर अरेंजमेंट किया होता है. अब की बार देखो, पहले एक टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा था, इन मीटर ब्रिज वी हैव ओनली वन वायर भी, इसमें एक वायर नहीं होती, मल्टीपल वायर होती है, एक एक मीटर की बहुत सी वायर है. अब उसको सीरीज में लगाएंगे ना तो बहुत लंबा डिवाइस बन जाएगा, सही है कि नहीं है. तो इन्होंने क्या किया अरेंजमेंट है कि एक एक मीटर की वायर यूज की अभी, और इसको इस तरह से लगाया गया अभी कि डिवाइस बड़ा भी ना बने. अरेंजमेंट ऐसे किया गया विद कॉपर स्ट्रिप्स भी, एक यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ से वायर निकाला ऐसे भी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो. फिर यहाँ से एक वायर निकाला फिक्स्ड विद अनदर कॉपर स्ट्रिप्स भी, फिर यहाँ से एक वायर. वी आर यूजिंग मल्टीपल वायर भी, जितनी ज़्यादा वायर यूज करो उतना तो अच्छा डिवाइस रहेगा आपका. तो हमारे जो लेबोरेटरी डिवाइस उसमें 4 या 5 वायर होती है. ठीक है, एक एक मीटर का वायर किसका बना हुआ है, अगेन कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नियंस का भी, ऑफ यूनिफॉर्म एरियाज भी, ऑफ ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर भी. सही है कि नहीं है. इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, ये ए पॉइंट आपका, ये पॉइंट कौन सा है, बी. ए और बी में क्या जुड़ा हुआ, बैटरी जुड़ी हुई है ऐसे, यहाँ पर जुड़ी हुई है बैटरी, किसकी हेल्प से, एक रियोस्टेट जुड़ा हुआ है. क्या कंट्रोल करता है भाई, करंट को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है, नाम क्या है इसका, इट इज रियोस्टेट भी. ठीक है, एक एमीटर लगा हुआ है मेजर करने के लिए कितना करंट यूज कर रहे हैं हम लोग, एक बैटरी लगी हुई है भाई, यस और नो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अरेंजमेंट है भाई. रियोस्टेट लगा हुआ है कंट्रोलिंग द करंट, मापने के लिए वोल्टेज जो भी है पूरे में वायर में भेजने के लिए, हो जाएगा भाई. अभी यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ अभी, ए पे ये जो मैंने डॉट बना रखे ना, ये स्क्रू है अभी, पेंच लगे हुए बांधना, आपको वायर बांधी हुई यहाँ पे भी इन्होंने. समझ में आया कि नहीं आया, अभी यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक वोल्ट मीटर भी, क्या जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर, वो भी यूज़ कर रहा है ये, क्या मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, विद जो कीजिए हो जाएगा. और इस पर भी क्या बंधा हुआ है, एक स्केल बनी हुई है अभी, मीटर स्केल है रीडिंग देने के लिए, वो दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, हो जाएगा, डायग्राम बनाइए. इन पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ वायर मेड ऑफ मैग्नियन
एंड कॉन्स्टेंटेंट, मैग्नियन एंड कॉन्स्टेंटेंट आर कनेक्टेड। ये वायर है ना, इनका एरिया यूनिफॉर्म है भाई क्लास, ये बताने जरूरत नहीं आपको। ये हैव यूनिफॉर्म एरियाज भी, हर जगह इतनी सेम मोटाई की वायर यूज कर रहे हैं हम लोग, कर लोगे। आर फिक्स्ड ऑन द, क्या लिखा था मैंने, आर कनेक्टेड विद सीरीज कम्बिनेशन भी, आर कनेक्टेड विद सीरीज कम्बिनेशन विद कॉपर स्ट्रिप्स भी, विद कॉपर स्ट्रिप। ये जो पट्टियाँ लगा रखी हैं कॉपर की हैं। अच्छे डिवाइस में ये भी किसकी बनी होती है, मैग्नियन की होती है, कर लोगे। आर फिक्स्ड विद कॉपर स्ट्रिप्स, फिक्स्ड ऑन द वुडन बोर्ड भी, फिक्स्ड ऑन द वुडन बोर्ड। ये सराजमेंट कहाँ फिक्स होता है, कि वुडन बोर्ड पे फिक्स होता है। समझ में आया कि नहीं आया अभी, कर पाओगे। आगे लिखिए, ए बैटरी एमीटर एंड ए रियोस्टेट, ए बैटरी एमीटर एंड ए रियोस्टेट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ओके, आगे लिखिए, ए वोल्टमीटर एंड ए जॉकी इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए। कहाँ जुड़े हुए हैं ये, ए पे जुड़े हुए हैं वोल्टमीटर और जॉकी। वोल्टमीटर का एक पार्ट जुड़ा हुआ है ए के साथ, सेकेंड पार्ट जुड़ा हुआ है जॉकी के साथ। दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सही है, कर लोगे। ये अरेंजमेंट है भाई, दिस इज द पोटेंशियोमीटर। रीडिंग लेने के लिए एक स्केल बनी होती है, यहाँ पे 1 मीटर का स्केल होता है, वहाँ पे आप रीडिंग ले सकते हो, हो जाएगा भाई। ये था भैया व्हाट इज ए पोटेंशियोमीटर भी, एनी प्रॉब्लम भाई। अब क्वेश्चन है इसका प्रिंसिपल क्या है भाई, लिख दीजिए। अभी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर भी, क्या प्रिंसिपल हो सकता है आपके अकॉर्डिंग पोटेंशियोमीटर का भी। अगर ये जॉकी को मैं यहाँ पर लगता हूँ, कुछ रीडिंग आएगी वोल्टमीटर में, फिर उसको उठा के ऐसे चला रहा हूँ भाई इसके ऊपर, क्या ऑब्जर्वेशन आया कि लगातार वोल्टेज घटना शुरू होगी भी, क्या होगी लगातार वोल्टेज, क्या होगी कम होना शुरू होगी भी इसकी वोल्टमीटर की भी। पहले मान रीडिंग आ रही है 10 वोल्ट की रीडिंग आ रही है, यहाँ पे भी लगातार इसको हम चला रहे हैं, इसके ऊपर स्लाइड करवा रहे हैं, तो लगातार रीडिंग क्या हो रही है, कम हो रही है अभी। वो रीडिंग कम हो रही है उसका रीजन कौन है, ये लेंथ है अभी, लेंथ बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, रीडिंग कम हो रही है। यस और नो, ये इसका प्रिंसिपल बन गया अभी। क्या प्रिंसिपल बना, कि जो वोल्टेज में जो फॉल हुआ उसके लिए जिम्मेवार कौन है, वो लेंथ ऑफ द वायर है। लिखो, it state that the fall in the potential difference In potentiometer is directly proportional to length of that portion। क्या बोला गया है, जो वोल्टेज में जो फॉल होगा भाई, कई बच्चे इसको गलत बोलते हैं भाई, कि V proportional to length, V नहीं भाई, inversely है एक्चुअल में भी। मैंने क्या बोला है, the fall in the potential difference, जो घटेगा वोल्टेज तो डिपेंड किस पे करेगा, लेंथ कितनी बड़ी है भी। उल्टा नहीं है लग रहा आपको, तो V proportional to क्या है लेंथ ऑफ दैट portions भी। यहाँ तक लेंथ कितना मान लेते हैं, L माप सकते हो ऑन द स्केल्स भी, V इज इक्वल टू के एल भी, V इज इक्वल टू के एल, ठीक है, कर लोगे। K क्या है लिखो फिर, वेयर K इज कॉन्स्टेंट,
ओके, ये जो वोल्टेज है ना, ये कौन सी वोल्टेज है? द फॉल इन द वोल्टेज, ये घट रही, घटती हुई वोल्टेज अभी हो जाएगा अभी। यहाँ से के क्या आएगा? के इज इक्वल टू वी बाई एल, ले सकता हूँ वी बाई एल। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन कर दे लेंथ के साथ भी, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट। तो के क्या है एक्चुअल में? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अभी लिख दो ये क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इसको कैसे निकाला गया देखो, थोड़ा सा और डीप में करते हैं इस टॉपिक को। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी क्या होता है? आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, सही है। और आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, एल बाई एरिया, यस सर नो, एल बाई एरिया, यही है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? आई रो एल बाई ए, सही है कि नहीं है? अब देखिएगा, आई कांस्टेंट है कि नहीं है? ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। आई कांस्टेंट है, सेम वायर यूज कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एरिया की यूज कर रहे हैं, तो एरिया कांस्टेंट है। बस क्या कौन है? लेंथ, जितना लेंथ यूज करोगे उसके हिसाब से वी प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है? एल। ये कौन सा प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली है भाई, याद रखिए। जब वी है ये क्या है? फॉल या डिक्रीजिंग इन द पोटेंशियल है भाई। कितना वोल्टेज कम होगा डिपेंड किस पे करेगा? लेंथ ज़्यादा कितनी है। समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, एनी प्रॉब्लम? लिखो के का वैल्यू क्या है, के का नाम क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम ग्राफ बनाते हैं, इसी का ग्राफ बनाते हैं, वी और एल का भी, आपके हिसाब से ग्राफ क्या होना चाहिए? यहाँ पे एल है, बताओ क्या होना चाहिए? अगर ग्राफ बनाई वी और एल का भी, आपके अकॉर्डिंग ग्राफ का शेप कैसा होना होगा? ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, स्ट्रेट तो होगा भाई, सारा डिपेंड एल पे कर रहा है। डायरेक्टली एल ऑन द एल कर लोगे तो ग्राफ है ऐसे नीचे आएगा कि ऐसे जाएगा, डिक्रीजिंग में दिखाएगा कि इंक्रीजिंग में दिखाएगा? इस ये वाला ग्राफ, ये जो वी है ना, ये वी क्या एक्चुअल में पता है आपको? ये पहले से फॉल है भाई। तो ग्राफ क्या बनेगा? जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना ही फॉल बढ़ेगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? ये सिंपल वी नहीं है, ये क्या है? फॉल इन द वी। जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना ही फॉल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो क्या बनेगा अगर आपका? स्ट्रेट लाइन। याद रखिए, इट इज़ वी द फॉल इन द पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा? ये वाला। ये वोल्टेज को कहाँ से आई है भाई? इस बैटरी से आई है। इस बैटरी की कितनी वोल्टेज यूज की जाएगी वो डिपेंड किस पे करेगा? लेंथ के ऊपर। समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर।